नमस्कार साथियों, सभी प्रशिक्षकों का गुड मॉर्निंग। आशा करते हैं आप ये क्लास डेली देख रहे होंगे साथी, क्योंकि 5 मिनट जीके की कथा होता है जिसमें कि हम लोग सुपर टेट प्लस सी टेट एमपी टेट जितने भी टेट होते हैं प्लस सुपर टेट के लिए बेसिकली ये चलाया गया है क्लास, जिसमें कि आपका जीके वाला जो पोर्सन है लगभग समसामयिक भी आगे हम स्टार्ट करेंगे। ऐसे में जो फिजिक्स हो गया, मतलब एक तरह से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, मतलब एक तरह से फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और ये पूरा का पूरा ज्योग्राफी इंडियन हिस्ट्री ये सब के सब इसमें कवर कराए जाएंगे। तो ये जो टॉपिक वाइज लाया जा रहा है मात्र 5 मिनट के अंदर या फिर थोड़ा सा ज़्यादा में आपका ये सारी चीज़ें क्लियर कर देगी। यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आते हैं, तो ऐसे में आज हम जो पढ़ने वाले हैं नदियों का उद्गम और संगम और प्लस उनकी लंबाई कितनी है। इंपॉर्टेंट 20-25 नदियाँ हैं भारत की, चलिए फटाफट देख लेते हैं। वैसे तो बहुत सारी नदियाँ हैं क्योंकि नदियों का जाल है भारत में देखा जाए तो चलिए देख लेते हैं। देखिए पहला है सतलज। सतलज नदी कहाँ से निकलती है बताएंगे, तिब्बत के पठार के मानसरोवर झील से। मानसरोवर झील के पास एक राक्षसताल झील है, वहां से निकलता है। ठीक है भाई, यह लद्दाख होते हुए सिंधु, मतलब जो आपका यह दर्रा है यह तिब्बत का मानसरोवर, मतलब हिमाचल प्रदेश, वहां से होते हुए फिर एक तरह से पाकिस्तान में चला जाता है ना, ये चीज याद रखेंगे। अब यह तो निकलता है, उद्गम इसका होता है तिब्बत के मानसरोवर यानी कि राक्षसताल झील से। इसका मुहाना यानी कहाँ जाके मिलता है तो बताएंगे चिनाब नदी में जाके मिल जाता है। याद रखेंगे इसकी लंबाई कितनी है, अगर देखा जाए पूरा लंबाई इसका सतलज का भारत से लेकर, मतलब कि तिब्बत से लेकर पूरा पाकिस्तान तक, तो बता देंगे 1500 किलोमीटर, लेकिन भारत में मात्र 1050 किलोमीटर तक इसकी लंबाई है। ठीक है भाई, दूसरे नंबर सिंधु नदी। सिंधु तंत्र के बारे में आपको हम पढ़ाएंगे, एक तरह से हमने वीडियो बनाया है, आ जाएंगे बेसिक वाले क्लास में मैथ में तो पढ़ सकते हैं। सिंधु नदी, सिंधु नदी जो है मानसरोवर झील से निकलती है, यह भी मानसरोवर झील से, जो कहाँ पड़ता है भाई सिंधु नदी, यह भी तिब्बत वाले पोर्शन में पड़ता है, वहाँ पे एक तरह से एक ग्लेशियर है वहाँ से निकलता है मानसरोवर झील के। अभी अरब सागर में अपना मुहाना बनाता है, अरब सागर जो कि दूसरी तरफ है मानी कि पश्चिम की तरफ, अरब सागर में अपना मुहाना बनाता है, लगभग 2880 किलोमीटर इसकी पूरी लंबाई है। इसमें ज़्यादातर पानी पाकिस्तान 80% यूज करता है, भारत इसका 20% यूज करता है। तो याद रखेंगे 2880 पूरी किलोमीटर इसकी पूरी लंबाई है और भारत में जो इसका लंबाई है मात्र 1114 किलोमीटर के आसपास में है, बस इतनी बात याद रखेंगे। इसका रावी नदी, रावी नदी रोहतांग दर्रे से निकलता है, हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा का पूरा श्रेणी पड़ता है, तो रोहतांग दर्रे से एंट्री करता है भारत में, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा घाटी जिला है वहां से होते हुए गुजरता है, भारत में आता है और चिनाब में जाके मिल जाता है, प्लस जो इसकी लंबाई है 725 किलोमीटर है, ये भी याद रखेंगे। अब इसका जो ब्यास नदी, इसे बिपाशा कहते हैं हम लोग, पुराना नाम क्या है इसका, बिपाशा। तो ये रोहतांग दर्रे से निकलता है, रोहतांग दर्रा वही हिमाचल प्रदेश से निकलता है और कपूरथला के नज़दीक सतलज नदी में आके मिल जाता है, याद रखेंगे। और ये 470 किलोमीटर की लंबाई इसकी होती है पूरा। इसके बाद झेलम नदी, झेलम नदी को हम लोग क्या कहते हैं, कौन कौन बता सकता है बता दीजिए, जो सिकंदर यहीं पर आया था ना भाई, लड़ाई करता था राजा पोरस से, तो याद रखेंगे झेलम नदी जो निकलती है बेरीनाग झील से, बेरीनाग के आसपास समीप से भारत में एंट्री करती है, बेरीनाग से होते हुए शेषनाग झील से होते हुए आ जाता है भारत में। अब ये चिनाब नदी में इसका यह भी जाके मिलता है, जो इसकी लंबाई है साथी कितना है 724 किलोमीटर है, याद रखेंगे। इसके बाद गंगा नदी, गंगा नदी के बारे में सभी लोग जानते हैं भाई, गंगोत्री के पास से गोमुख से निकलती है, गोमुख एक ग्लेशियर है वहाँ से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। आपको पता होना चाहिए इसमें बहुत सारी नदियाँ मिलती हैं, एक तरह से कानपुर होते हुए, इलाहाबाद होते हुए, हमारे बिहार का पोर्शन, मतलब एक तरह से पश्चिम बिहार का पोर्शन पटना होते हुए, ये पूरा पूरा पश्चिम बंगाल होते हुए कहाँ चला जाता है, बंगाल की खाड़ी में मिलता है। बंगाल की खाड़ी में जब यह मिल जाता है ब्रह्मपुत्र से, तो इसे हम पद्मा के नाम से जानते हैं, याद रखेंगे पद्मा के नाम से जाना जाता है, वह सबसे बड़ा वहाँ पर हमको एक तरह से डेल्टा देखने को मिलता है पूरे विश्व का। यानी इसकी जो लंबाई है 2525 किलोमीटर है, 2510 किलोमीटर कितने लोग मानते हैं, क्योंकि जो इसका 15 किलोमीटर वाला पोर्शन है वह हुगली नदी में, यानी कोलकाता जिसमें जिसके तट पर स्थित है, याद रखेंगे हुगली नदी के नाम से जाना जाता है। तो 2525 इसका पूरी लंबाई है भारत में, याद रखिए। यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है, वो भी एक ग्लेशियर है उत्तराखंड में, वहाँ से निकलती है और प्रयागराज गंगा, प्रयागराज में जाकर यह मिल जाती है, भारत की मतलब गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो कि दक्षिण से जाके मिलती है, याद रखना है बाएं तट से मिलती है, दाहिने तट से मिलती है, इस प्रकार से याद रखेंगे। और इसकी जो लंबाई है 1375 किलोमीटर यमुना का। इसके बाद चंबल नदी, चंबल के डाकू आपने सुना होगा, जो कि मध्य प्रदेश प्लस यूपी वाले बॉर्डर पर पड़ जाता है, राजस्थान वाले इलाके में, तो मध्य प्रदेश, यानी कि अगर बात करें चंबल नदी मध्य प्रदेश के मऊ जिले से निकलती है, याद रखना है, और यूपी के इटावा के आसपास में आकर यमुना से मिल जाती है, लगभग 38 किलोमीटर का फासला होता है दोनों में, यमुना से आकर मिल जाती है, 995 किलोमीटर इसकी लंबाई होती है। इसके बाद रामगंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथी, नैनीताल से निकलता है, नैनीताल झील आपने सुना होगा, नैनीताल जिला भी एक है उत्तराखंड का, तो नैनीताल एक तरह से वहां से निकलता है, नैनीताल उसका एक तरह से कहा जाए उसका कार्यकारी राजधानी है। तो एक तरह से रामगंगा नदी जो है नैनीताल से निकलता है और कन्नौज
में कन्नौज आकर गंगा में मिल जाता है। कन्नौज एक क्षेत्र है, जिला है, वहाँ पे आकर गंगा में मिलता है। लगभग 696 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और शारदा नदी पे, शारदा नदी पे विवाद भी है भारत का, है ना, याद रखेंगे, किससे, नेपाल से। तो यह काली गंगा है जो कि मिलाम एक हिमनद है, वहाँ से निकलता है। और घाघरा नदी में आके मिल जाता है, लगभग 602 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसके बाद गंडक नदी, गंडक नदी नेपाल से निकलती है और इसका पटना के समीप आकर यह एक तरह से कह लीजिए गंगा में मिल जाती है। याद रखेंगे 425 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसके बाद साथ ही कोसी नदी, कोसी नदी याद रखेंगे गोसाईवर्धन की चोटी से निकलती है कोसी नदी, और यह जाकर गंगा नदी मिल जाती है। प्लस 730 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। इसके बाद बेतवा नदी, बेतवा नदी याद रखना है, बेतवा नदी यमुना की सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है, ना, याद रखेंगे यमुना की सहायक नदी है। और मध्य प्रदेश के रायसेना झील से निकलता है, रायसेना जगह है, जिला है, वहाँ से निकलता है और यमुना नदी में आके मिल जाता है। लगभग 480 किलोमीटर इसकी लंबाई है बेतवा नदी की। इसके बाद सोन नदी, सोन नदी आपको पता है साथ ही अमरकंटक के झील से निकलता है, अमरकंटक की चोटी से निकलता है, पहाड़ी से मध्य प्रदेश से निकलता है और दक्षिण से जाके गंगा में मिलता है, ना, याद रखेंगे दक्षिण से जाके पटना वाले पटना जिला में जाके गंगा से मिल जाता है और 780 किलोमीटर की लंबाई है। इसके बाद ब्रह्मपुत्र, उसमें इसकी बहुत बड़ी कहानी है। यह जब तक कलेजे मानसरोवर झील से ही निकलता है, सतलज, सिंधु और हमारा ब्रह्मपुत्र, ये तीनों एक तरह से मानसरोवर झील से ही निकलते हैं, तिब्बत से निकलते हैं और ये बंगाल की खाड़ी में आके मिलता है। इसकी लंबाई 2900 है पूरा का पूरा देखा जाए तो, और भारत में मात्र 916 किलोमीटर कवर करता है। इसको हम तिब्बत वाले क्षेत्र में सांगपो के नाम से जानते हैं। जैसे ही ये अरुणाचल वाले प्रदेश में अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करता है भारत के, इसको हम लोग किस नाम से, दिहांग या दिबांग के नाम से कहते हैं। फिर ये माजुली का द्वीप सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाता है पूरे विश्व का, माजुली द्वीप जो कि असम में बनाता है, असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। जैसे यह बंगाल की खाड़ी में आता है, बांग्लादेश में आता है, इसे जमुना के नाम से कहते हैं, जमुना। फिर ये गंगा से मिल जाता है, इसे कहते हैं पद्मा, याद रखना है। इसके बाद भैया नर्मदा नदी याद रखना है, अमरकंटक के मध्य प्रदेश से ही निकलता है। ऊपर सबसे पहले विंध्यन श्रेणी है, फिर नर्मदा नदी है, फिर उसके बाद सतपुड़ा श्रेणी है, फिर आपका ताप्ती नदी है। यह क्रम भी याद रखेंगे। ताप्ती नदी बैतूल जिले से निकलता है मध्य प्रदेश के, और यह खंबात की खाड़ी में आके मिल जाता है। लगभग 724 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसके बाद महानदी याद रखना है भैया आपको, छत्तीसगढ़ रायपुर जिले से निकलता है। और प्लस कह लीजिए कि यह उड़ीसा में सबसे ज़्यादा इसका पानी बहता है, उड़ीसा की नदी कही जाती है इसे, याद रखना है। यह बंगाल की खाड़ी में गिरता है, 815 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसके बाद छिप्रा नदी याद रखना है, छिप्रा नदी के किनारे ही इंदौर बसा हुआ है, इंदौर एक जिला है, और छिप्रा नदी के किनारे ही शायद गोरखपुर भी है, ये देख लेना एक बार, गोरखपुर भी है। और यह लगभग चंबल नदी में आके मिल जाती है और 560 किलोमीटर इसकी लंबाई है, याद रखना है। माही नदी जो है धार जिले से निकलती है जो कि कर्क रेखा को दो बार काटती है, आपको पता होना चाहिए कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी माही नदी है। तो यह मध्य प्रदेश के धार जिले से निकलती है और लगभग आगे खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, जो गुजरात वाला पोर्शन है। खंबात की खाड़ी मतलब ऊपर क्या है हमारा, ऊपर है, ऊपर के बाद नीचे वाला खंबात, जहाँ पे माही नदी आगे मिल जाती है, मतलब खंबात की खाड़ी होते हुए या इधर आके गिर जाती है अरब के सागर में, तो खंबात की खाड़ी में आके मिल जाती है। इसकी जो लंबाई है 585 किलोमीटर के आसपास में, याद रखना है। इसके बाद आ जाता है गोदावरी नदी, पहले लूनी नदी जो है भैया, यह सबसे एक तरह से कहा जाता है लूनी नदी जो है कि सबसे कौन से जिले से निकलता है, अजमेर जिले से निकलता है और कच्छ केरन में आके विलुप्त हो जाता है। गुरु शिखर पहाड़ी से निकलती है भैया, साफ साफ कह लो, गुरु शिखर की पहाड़ी से माउंट आबू वाले क्षेत्र से निकलता है, जो कि राजस्थान में। गुरु शिखर पहाड़ी जो है कि एक तरह से बहुत पुरानी श्रेणी है ना, याद रखेंगे, जो कि राजस्थान में पड़ता है। यह लगभग 320 किलोमीटर लूनी नदी की लंबाई है। एकमात्र ऐसी नदी है जो भारत में निकलती है, भारत में ही विलुप्त हो जाती है। इसके बाद गोदावरी नदी जो कि नासिक जिले से निकलती है, महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में आके मिलती है। इसकी जो लंबाई है 1465 किलोमीटर है, चौदह सौ पचासी किलोमीटर है, जो कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसे बूढ़ी गंगा के नाम से भी जानते हैं, याद रखना है, और भारत की गंगा के नाम से जानते हैं इसे, याद रखना है, भारत की दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानते हैं। दक्षिण की गंगा बोलेगा तो बता देंगे भाई कावेरी को। इसके बाद दोस्तों कृष्णा नदी महाबलेश्वर चोटी से निकलता है, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर चोटी से निकलता है, यह भी बंगाल की खाड़ी में आके गिरता है। इसकी जो लंबाई होती है 1401 किलोमीटर के आसपास में होता है। इसके बाद कावेरी नदी आती है, कावेरी नदी भैया कर्नाटक के कुर्ग द्वीप, मतलब कुर्ग एक जिला है, वहाँ से निकलती है और यह कह लीजिए 800 किलोमीटर के आसपास में इसकी लंबाई है, बंगाल की खाड़ी में आके गिर जाती है। इस तरह स्थायी नदियाँ बहुत हैं, स्थानीय नदियाँ, जैसे कि बैगई नदी तमिलनाडु में बहती है, हुगली नदी कोलकाता में बहती है, पेरियार नदी केरल में बहती है, पेन्नार नदी कर्नाटक में बहती है। इस तरह से बहुत सारी नदियाँ हैं साथी, जो आपको बता दिया गया वहाँ तो छोटे सेशन में। इसको सेशन को फॉलो करिए, मस्त तरीके से पढ़ाई करिए, कहीं से भी एक भी प्रश्न नहीं छोड़ने देंगे, ये हमारा वादा है। बस डेली आप लगे रहिए, इसमें 50 नंबर जो जीके हैं उसका कवरेज आपका यहाँ से हो जाएगा। प्लस CDP की क्लास 9 बजे आएगा, उसे आप फॉलो करिए, और जो दिन भर के क्लास आते हैं उसे भी देखिए भाई आप लोग। धन्यवाद।